Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal, and the chapter we are going to start today is the chapter of geography of 10th class, that is agriculture. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसमें क्रॉप जो पैटर्न्स हैं वो कैसे कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं. साथ ही इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है या नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी हो सकती हैं, और लास्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से लिया गया है. पहला है एग्री, दूसरा है कल्चरा. एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन. तो हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को क्या करना, कल्टीवेट करना. एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि जो भी हम जैसे पशुओं को पालते हैं, उनको चराते हैं. जैसे हमने गाय को पाला, ठीक है, उससे हमें दूध मिला, दूध को हमें मार्केट में सेल आउट किया और उससे हमें क्या हो रहा है, उसमें उसमें हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है. सो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स है. और अगर हम इसकी बात करें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे थ्री जो टाइप्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं. पहला है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड है हमारा कमर्शियल फार्मिंग. तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है. ये जो फार्मिंग है, इस तरह की जो फार्मिंग है, ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड, उन पे की जाती है, जिसमें कि प्रिमिटिव टूल्स को यूज किया जाता है. यानी कि इसमें कोई भी मॉडर्न टूल्स का यूज नहीं होगा. प्रिमिटिव टूल्स यानी कि जो हमारे पुराने टूल्स है उन्हीं का यूज होगा, जैसे हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स, इस तरह के. और फैमिली लेबर्स यानी कि बाहर की कोई भी लेबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, यानी कि जो फार्मिंग है किस पे डिपेंड होती है, मानसून पे डिपेंड होती है, यानी कि नेचर की जो बारिश है, ठीक है, उस पे डिपेंड होती है. एंड नेचुरल फर्टिलिटी, हम इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं. सुइटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि जितने भी नेचर वाइज जितने भी फैक्टर्स है हम उस पे डिपेंड होते हैं, हम अपनी तरफ से इसमें कोई भी टूल्स को यूज नहीं करते हैं. एंड इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम इसको बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम एक छोटे से टुकड़े पे, ठीक है, जमीन का जो टुकड़ा होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हम उसपे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. उसके बाद जब हम उस क्रॉप को क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो जितना हमें क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए होता है वो हम ले लेते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी उस जमीन पे काफी कुछ रह जाता है उस क्रॉप को निकालने के बाद. तो हम क्या करते हैं, हम उसमें आग लगा देते हैं. तो उसमें जो आग लगने के बाद जो उसके एशेज होते हैं वो उस सॉइल को क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं. इसी तरह हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. वो डिपेंड करता है, वो एक साल भी हो सकता है या फिर डिपेंड करता है कितने टाइम पीरियड तक वो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद जो वो सॉइल है वो उसमें दोबारा से फर्टिलिटी हो जाती है, वो दोबारा सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है. तो उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, तो पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की. इट इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती है. एंड इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि हम इस फार्मिंग में लेबर को यूज ज्यादा करते हैं, कैपिटल का यूज कम करते हैं. लेबर यानी कि जो हमारे मजदूर हैं हम उनका यूज ज्यादा कर रहे हैं, और टेक्निक या टूल्स या हम बोल सकते हैं मशीनरी का जो यूज है वो हम इसमें कम करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग का नाम से देख के ही पता चल रहा है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें. इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल फार्म्स, यानी कि बड़े बड़े जो जमीन है उस पे ये खेती की जाती है. इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है क्योंकि इतनी बड़ी जमीन है, क्योंकि प्रोडक्शन इसमें बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है लेबर की नीड होती है. इट यूजेस मॉडर्न टूल्स, हम इसमें मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं इस तरह की फार्मिंग में, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स. अब बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉपिंग की. प्लांटेशन क्रॉपिंग भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है, लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें डिफरेंस, कि इस तरह की जो फार्मिंग है इसमें सिंगल क्रॉप का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है बड़े स्केल पे, एक बड़े एरिया पे. इट यूजेस कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, यानी कि हमने इसमें पहले ही पढ़ा है जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है इसमें क्या यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. और अगर हम इंडिया में देखें तो कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉपिंग देखने को मिलती है, हम देख रहे हैं इंडिया में टी है, कॉफी है, रबड़ है, शुगर केन, बनाना
और इस तरह के और भी जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न्स की, तो तीन तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। पहला है रबी क्रॉप्स, सेकंड खरीफ क्रॉप एंड थर्ड जैद क्रॉप। जो ये रबी क्रॉप है इसको हम कब बोते हैं, यानी कि विंटर जो सीजन है हम उसमें इसको जो बीज है उसको बोते हैं, और जो जैसे कि अक्टूबर से दिसंबर तक का, और जो हार्वेस्ट करते हैं यानी जो कटाई करते हैं वो समर सीजन में करते हैं, दैट इज अप्रैल टू जून। कहाँ कहाँ ये देखने को मिल सकती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और इसमें रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब बात आती है खरीफ क्रॉप की। जो खरीफ क्रॉप है ये ग्रो होती है मानसून सीजन में, अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये ग्रोन होती है, और जो हार्वेस्ट यानी कि जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हम देख सकते हैं? मूंग, उड़द, पेडी, मेज, ज्वार, कॉटन एंड जूट जूट, और इसी तरह की और भी जो क्रॉप्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। अब बात आती है जैद क्रॉप की। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन, यानी कि जो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जिसमें ये वाली क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैद सीजन बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ऐसे ही और ज्यादा और भी प्लेसेस में, जैसे कि आपका इसमें हो गया, इसमें वाटरमेलन इंक्लूडेड है, कुकुम्बर इंक्लूडेड है और मस्कमेलन। अब बात आती है मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कंजप्शन है हमारे इंडिया में ही इसका होता है और प्रोडक्शन भी होता है। तो देखेंगे राइस है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राइस की पहले में पढ़ेंगे, वीट है, मिलेट्स हैं और पल्सेस हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं मेजर क्रॉप्स, इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन आता है टेबल की फॉर्म में, ठीक है? टेबल की फॉर्म में कैसे आ जाता है कि जैसे आपको इसमें दे दिया, अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें दे दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है जिसमें हमें इतना जो है टेम्परेचर चाहिए या इतनी हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए, तो हमें उस क्रॉप का नाम बताना होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और या फिर कई बार ये भी आ जाता है कि कौन कौन से प्लेसेस पे ये देखने को मिलती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं राइस की। राइस इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि एक स्टेपल फूड यानी कि मेन फूड क्रॉप है हमारे इंडिया का। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद, यानी कि चाइना में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और चाइना के बाद हमारे इंडिया सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें कि हमें इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है इस फूड प्रोडक्शन के लिए, तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ज्यादा हमें इसमें रेनफॉल की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ प्लेन्स, यानी कि कहाँ पे उगती है ये? नॉर्थ ऑफ प्लेन्स में, नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया में और कोस्टल एरिया में, क्योंकि इसमें हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो कोस्टल एरिया में होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीट की। वीट इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये भी एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप है, और इसमें हमें एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 50 से 75 डिग्री सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसी ही और भी प्लेसेस। मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है जो हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, और ये जो है ड्राई रीजन में यानी कि ड्राई एरिया में ये उगते हैं, इसका क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी की हमको आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती है। और अगर हम इसकी प्लेसेस की बात करें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ऐसे और भी प्लेसेस। बात आती है पल्सेस की, यानी कि दालों की। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस करता है, इसका प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ कंज्यूमर भी है यानी कि इसको कंज्यूम भी कर रहा है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं तुर है, उड़द है, मूंग, मसूर, ऐसी और भी बहुत सारी दालें हैं जो कि इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ कंजप्शन भी होता है। नीड लेस मॉइस्चर, यानी कि हमें इसमें कम मॉइस्चर, कम नमी की आवश्यकता होती है, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, और ये ड्राई कंडीशन में भी जो है सर्वाइव यानी कि उसमें उनका प्रोडक्शन जो है, इसका प्रोडक्शन हो सकता है। प्लेसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो यूपी, एमपी, राजस्थान और ऐसे और भी प्लेसेस हैं। तो हमने क्या किया, हमने चार मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है? आता जरूर है, वो 1 मार्क में भी हो सकता है, वो 3 मार्क्स में भी हो सकता है, और आजकल जो है अब जो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है वो कैसा आ रहा है, टेबल की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे।
नेक्स्ट है फूड क्रॉप हमारी शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड टी। सबसे पहले बात करते हैं हम शुगर केन की यानी कि गन्ने की। ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि गर्म जो इलाका है, जब गर्म हमारा क्लाइमेट होता है हॉट क्लाइमेट, तब हम इसको ग्रो करते हैं। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक हमें चाहिए होता है। रेनफॉल यानी कि बारिश कितनी चाहिए होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हमको इसमें चाहिए होती है। प्लेसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो यूपी, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ऐसे और भी प्लेसेस। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स जो है एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन। और प्लेसेस यानी कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब टी की बात करते हैं यानी कि चाय। इट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल यानी कि इसमें जो है हमें फर्टाइल सॉइल जो उपजाऊ जमीन है हमें वो इसमें चाहिए होती है। वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इसमें यूज होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें लेबर्स को यूज करते हैं, हम मशीनरीज का यूज कम करते हैं। प्लेसेस अगर देखें हम तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला ऐसे और भी प्लेसेस हैं। अब बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि जो खाने वाली क्रॉप्स नहीं होती हैं, जो ये एडिबल नहीं होती हैं, तो सबसे पहले है रबर। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसमें कैसा हमें क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट चाहिए होता है यानी कि नमी वाला हमें इसमें जो बोले क्लाइमेट वो चाहिए होता है। रेनफॉल कितनी है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। टेम्परेचर जो चाहिए है हमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। प्लेसेस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है ये, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। बात करें अगर हम कॉटन की, तो कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है। किसका रॉ मटेरियल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है। और कॉटन को अगर हमें कॉटन का प्रोडक्शन करना है तो हमें इसके लिए ब्लैक सॉइल जो है वो चाहिए होगी। कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। प्लेसेस कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका और ऐसे और भी प्लेसेस। अगर हम बात करें लास्ट में दिया हुआ है जूट की, तो इट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जब इसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो इसमें है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। तो ये थे हमारे नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि रबर, कॉटन और जूट जो खाने में यूज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि हमारी जो सरकार है इसमें और अच्छे इसके बोल सकते हैं, अगर हम इसमें और डेवलपमेंट हो पाए एग्रीकल्चर जो हमारा फील्ड है, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है स्टेप्स लिए हैं। तो पहला है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि लोगों के पास जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड का, तो उस हिसाब से खेती की जाए। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जब हुई तो कुछ ही स्टेट्स में हुई, और इसमें हमने क्या किया, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया, मॉडर्न टूल्स को यूज किया, जैसे कि हमारे हार्वेस्टिंग मशीन हो गई, थ्रेशिंग मशीन है, HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। तो हमने इसको यूज किया, इसके जब हमने इनको यूज किया तो जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं एकदम से रैपिड इंक्रीज हुआ। जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसकी डिमेरिट की बात करें तो जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो गई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो हमें इसमें पानी की भी इसमें ज्यादा नीड होती है, तो पानी ज्यादा यूज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रामीण बैंक्स वर ओपन बाय लोन्स प्रोवाइडेड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो ग्रामीण बैंक है ये हमारी गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं, जिसमें कि जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस MSP। MSP का मतलब होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका उनको एक पहले से ही जो है सपोर्ट प्राइस की इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो निर्धारित किया गया है, जो कि गवर्नमेंट जब उनसे परचेज करती है तो उसको उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये वाली जो भी स्कीम्स है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हो गया, इसको भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम इन पॉइंट से देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हमारे एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू लाइक this lecture, so please don't forget to like and share this video and subscribe to the channel Udgam Paathshala. Thank you.
Thank you so much.